हे गाइस, वेलकम टू द ऑटो कंपेयर। दोस्तों, मारुति सुजुकी ने अपनी ब्रांड न्यू गाड़ी सुजुकी ग्रैंड विटारा को कर दिया है लॉन्च। सुजुकी ग्रैंड विटारा दोस्तों अब तक की मारुति की सबसे महंगी गाड़ी होने वाली है जो कि इंडियन मार्केट में लॉन्च की गई है, सुजुकी ग्रैंड विटारा। और दोस्तों, आज की वीडियो में कंपेयर करेंगे हुंडई क्रेटा के बीच में। सुजुकी ग्रैंड विटारा और हुंडई क्रेटा में क्या फर्क है और दोनों में से कौन सी गाड़ी बनती है रियल वैल्यू फॉर मनी डील, फाइंड आउट करेंगे आज की इस वीडियो में। चैनल पहली बार आए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम डिजाइन की बात करेंगे। डिजाइन वाइज दोस्तों दोनों ही गाड़ी 5 सीटर SUV है एवं सब 4 मीटर के सेगमेंट में आती है। अभी आपके डिस्प्ले पे दिख रही होगी दोनों गाड़ियों की डायमेंशंस। यहाँ पे अगर हम डायमेंशंस की बात कर रहे हैं तो इन क्लियर वैल्यूज यहाँ पे जो हमारा ग्रैंड विटारा है ये 45 mm ज्यादा लंबा है, चौड़ाई की बात करें तो 5 mm ज्यादा चौड़ा है और ऊंचाई की बात करें तो 10 mm ज्यादा ऊंचा है। सो अगर हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इन तीनों फैक्टर्स में बात करते हैं तो जो क्रेटा है ये ग्रैंड विटारा के मुकाबले छोटी गाड़ी है, जबकि ग्रैंड विटारा ये थोड़ी सी इससे बड़ी पड़ती है। व्हील बेस की बात की जाए दोस्तों, ग्रैंड विटारा का व्हील बेस है 2600 mm और वहीं क्रेटा का व्हील बेस है 26110 mm। सीट्स दोनों में 5 दिए गए हैं और आपको यहाँ पे छत पे दोनों ही गाड़ियों में पैनोरामिक सनरूफ का ऑप्शन देखने को मिलता है। नंबर सेकंड दोस्तों, ये है इंजन। इंजन्स की बात करूँ दोस्तों, सुजुकी ग्रैंड विटारा में 2 प्रकार के इंजन आते हैं। पहला इंजन है दोस्तों 1.5 लीटर का पेट्रोल स्मार्ट हाइब्रिड इंजन, जो कि दोस्तों नॉर्मल स्मार्ट हाइब्रिड है, 4 सिलेंडर इंजन है। ये इंजन पावर जनरेट करती है 101 bhp का विद टॉर्क ऑफ 136 Nm टॉर्क। ये दोस्तों जो गाड़ी है ये ऑल व्हील ड्राइविंग के ऑप्शन के साथ आती है स्मार्ट हाइब्रिड इंजन में। दूसरी इंजन है दोस्तों, ये है 1.5 लीटर का इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड इंजन। ये वाली दोस्तों जो इंजन है ये आधी पेट्रोल से और आधी इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, जिसकी वजह से गाड़ी का माइलेज बहुत अच्छा आता है। बता दें दोस्तों, ये गाड़ी पावर जनरेट करती है 113 bhp का विद टॉर्क ऑफ 141 mm टॉर्क। यहाँ पे दोस्तों इस गाड़ी का जो माइलेज निकल के आता है ये 27.97 km का शानदार माइलेज देती है ये इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड पर। दोस्तों बात करें वालों हुंडई क्रेटा की, हुंडई क्रेटा में दोस्तों आपको 2 प्रकार के इंजन आते हैं। पहला है 1.5 लीटर का MPI नॉर्मल पेट्रोल इंजन, जो कि 4 सिलेंडर इंजन है। यह इंजन पावर जनरेट करता है 113 bhp का विद टॉर्क ऑफ 143 Nm टॉर्क। गाड़ी में 6 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स आ जाता है। दूसरा दोस्तों, इसमें टर्बो पेट्रोल आता है जो कि 1.4 लीटर का है। यह इंजन पावर जनरेट करता है 138 bhp का विद टॉर्क ऑफ 242 Nm टॉर्क। यहाँ पे दोस्तों एक और इसमें इंजन आता है, वो है डीजल, जो कि 1.5 लीटर का U2CRDI डीजल इंजन है जो कि 4 सिलेंडर का है। यह इंजन पावर जनरेट करता है 113 bhp का विद टॉर्क ऑफ 250 Nm टॉर्क। यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात कर देते हैं गियरबॉक्स की, तो इसमें आपको 3 प्रकार के गियरबॉक्स आते हैं, 6 स्पीड का मैनुअल, 6 स्पीड का ऑटोमेटिक और 7 स्पीड का DCT गियरबॉक्स। तो यहाँ पे एक आपको एक्स्ट्रा गियरबॉक्स देखने को मिलता है। तो दोनों गाड़ियों के पावर को कंपैरिजन करें तो पावर के मुकाबले में यहाँ पे डीजल ज़्यादा पावर जनरेट कर रहा है एज कम्पेयर टू ग्रैंड विटारा। लेकिन माइलेज की बात करूँ दोस्तों, क्रेटा 16.8 के एम्पीयर का पेट्रोल पे और डीजल पे 18.5 के एम्पीयर का क्लेम करती है, जबकि जो ग्रैंड विटारा है ये नॉर्मल पेट्रोल पे 21 के एम्पीयर का और हाइब्रिड पेट्रोल पर आपका 27.97 के एम्पीयर का माइलेज क्लेम करती है। तो आई डाउट क्लियर हो चुके होंगे आप लोग जो मतलब आपकी कन्फ्यूजन्स है। तो अगर आप बात करें, अगर आपको गाड़ी में एवरेज चाहिए, एक साइलेंट इंजन चाहिए, तो यार ग्रैंड विटारा इज द बेस्ट चॉइस फॉर यू। दोस्तों बात करेंगे अब लोग यहाँ पे हम लोग फीचर्स के मामले में। फीचर्स की बात करूँ तो दोस्तों आपको ग्रैंड विटारा के अंदर आप देख पा रहे हो अभी एक आपको एक बड़ा सा यहाँ पे 9 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम देखने का मिलता है। जो स्टीयरिंग आप देख पा रहे हो ये डी स्टीयरिंग है या फिर कहले फ्लैट बॉटम। गाड़ी का इंटीरियर आप देख पा रहे हो, एम्बिएंट लाइटिंग, इसमें आपको 4 आर्कामाइज के स्पीकर आ जाते हैं, एंड्रॉइड एप्पल नेविगेशन आ जाते हैं। वहीं मैं क्रेटा की बात करूँ तो क्रेटा में आपको देखने को मिलता है 10.25 इंच का एक शानदार सा टच स्क्रीन सिस्टम, जो कि दोस्तों 8 Bose के स्पीकर इसमें देखने को मिलते हैं, एंड्रॉइड एप्पल नेविगेशन इसमें भी आता है। दोनों गाड़ियों में दोस्तों आपको 360 डिग्री का पार्किंग व्यू कैमरा सपोर्ट देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको अच्छा लगेगा, यहाँ पे आपको सुजुकी ग्रैंड विटारा में इस गाड़ी में आपको ऑल व्हील ड्राइविंग आती है। तो फीचर्स की बात करें तो यार फीचर्स बहुत लंबा लिस्ट जाता है, लेकिन मैं कुछ फीचर बता देता हूँ जो कि दोनों गाड़ियों में देखने को मिलेंगे। पहला है रियर एसी वेंट, दूसरा है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, तीसरा है वेंटिलेटेड सीट्स, चौथा है छत पे एक बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ, पांचवा है क्रूज कंट्रोल। आपको यहाँ पे ग्रैंड विटारा में एक एक्स्ट्रा फीचर हेड अप डिस्प्ले का देखने को मिल जाएगा, पैडल शिफ्टर दोनों में आते हैं। तो फीचर्स की लिस्ट बहुत लंबी है, फीचर वाले जो कंपैरिजन है हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो जा रही थी फीचर ऐड करने पे। सेफ्टी वाइज बात करें तो ये मारुति सुजुकी की गाड़ी है और ये तब तक की सबसे तगड़ी गाड़ी मानी जा रही है, तो इस गाड़ी को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग दे दे। वहीं हुंडई क्रेटा की बात करूँ तो हुंडई क्रेटा को मिले हैं 3 स्टार की सेफ्टी रेटिंग।
तो सेफ्टी या फिर बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ भी ये कह पाना मुश्किल है किसकी मजबूत है। अगर टाटा महिंद्रा रहता तो मैं साफ साफ एक तरफा हो जाता, लेकिन यहाँ पे सुजुकी भी उसी नाव में है जिस नाव में हुंडई है। तो बिल्ड क्वालिटी में डाउट्स हैं, हुंडई की रेटा 3 स्टार है और ग्रैंड विटारा के भी सेफ्टी टेस्ट हुई नहीं है। तो एटलीस्ट मेरी उम्मीद है कि आज कंपनी को 5 स्टार को तो कोशिश करना चाहिए। अब बात करते हैं लास्ट डिसीजन कीमत की। तो दोस्तों जो यहाँ पर हुंडई क्रेटा है इसकी दोस्तों जो कीमत आती है ये पेट्रोल में 10,44,000 से शुरू होती है और 8,15,000 रुपीज़ में टॉप मॉडल आ जाती है एक शोरूम। डीजल में इसकी कीमत शुरू होती है 10,91,000 से, टॉप वेरिएंट कीमत 8,18,000 रुपीज़ तक जाती है। तो ये आप दो मॉडल्स देख पा रहे हैं कीमतें। वहीं बात करूँ ग्रैंड विटारा की, दोस्तों ग्रैंड विटारा की अभी तक प्राइसिंग अनवील नहीं की गई है, लेकिन मेरा जो एक्सपेक्टेशन है वो 10-20 लाख रुपीज़ के बीच में ये गाड़ी आएगी। और अगर आप इन दोनों गाड़ी में से कौन सी गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये होता है ज़रूरत के ऊपर। अगर आपकी ज़रूरत माइलेज है तो भाई एक बड़ी SUV में इतनी धाकड़ माइलेज मिल रही है तो फिर क्या ही बात है। ओवरऑल दोस्तों ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपको ग्रैंड विटारा ज़्यादा पसंद आ रही है फिर हुंडई क्रेटा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल ऑटो कंपेयर को। मिलेंगे अगली वीडियो में, धन्यवाद।